हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम प्रेगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर हियर फॉर स्टडी ए लेसन ऑफ ईवीएस बुक ऑफ क्लास थर्ड. वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस वीडियोस. हम कर चुके हैं फर्स्ट लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट पिछले वीडियो में. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, दे शुड वॉच देम फर्स्ट. पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखने चाहिए और उसके बाद में आपको ये सेकंड लेसन जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं उसका ये वीडियो देखना चाहिए. और फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन मैंने जो जिन वीडियोस में किया है उनके साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन किए हैं. सो यू हैव टू नोट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आपको अपने क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट लेसन के हैं वो भी अपनी नोटबुक में रिटन वर्क के रूप में यानी लिखित कार्य के रूप में भी करने हैं. एंड यू आल्सो लर्न देम, और उनको लर्न भी करना है, उनको याद भी करना है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड लेसन. आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा लेसन इस बुक का, विच नेम इज, जिसका नाम है एनिमीज एवरी डे, हर दिन के दुश्मन. कई ऐसे लोग होते हैं जो बार बार झगड़ते हैं और बार बार वापस फ्रेंड बन जाते हैं, बार बार एनिमी बनते हैं. एनिमी मतलब दुश्मन होता है. तो बार बार जैसे कई बच्चे भी इस तरह के होते हैं जो रोज़ाना झगड़ते हैं और एनिमीज़ बन जाते हैं एक दूसरे के, यानी दुश्मन बन जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में अपने एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, फिर एनिमी बनते हैं. तो इसको हम कहते हैं एनिमीज़ एवरी डे, हर दिन के दुश्मन. हर दिन दुश्मन बनना, हर दिन दोस्त बनना, ये कहानी है, ये एक स्टोरी है एक बिल्ली और एक चूहे की. लेट अस लुक द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन फर्स्ट. आइए देखते हैं इस लेसन के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन वर्ड गैलरी. वर्ड गैलरी में इस लेसन से रिलेटेड कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं उनके जो मीनिंग्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जो समझाए गए हैं, लेट अस लुक एट देम. आइए उनको देखें और उनको समझें. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड इज नॉटी. पहला जो वर्ड है यहाँ वर्ड गैलरी में जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है नॉटी. नॉटी मीन्स शैतान होता है. कई बार हम बच्चों के लिए भी कहते हैं ये बच्चा बड़ा नॉटी है. नॉटी मतलब शैतान, जिसको हम बदमाश भी कहते हैं. और इसको एक्सप्लेन किया गया है डिसओबीडेंट. ओबीडेंट यानी होता है आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करता है, जो बड़ों की बात मानता है उसको ओबीडेंट कहते हैं. लेकिन यहाँ पर कहा गया है डिसओबीडेंट. डिसओबीडेंट का मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो बात को बड़ों की बात को नहीं मानता है उसको डिसओबीडेंट कहा जाता है. तो यहाँ डिसओबीडेंट जो शब्द है वो नॉटी, उसके लिए नॉटी शब्द आया है. डिसओबीडेंट और नॉटी एक ही मीनिंग रखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. चाहे नॉटी कह दें चाहे हम डिसओबीडेंट कह दें. द नेक्स्ट वर्ड इज नेस्टी. नेस्टी वर्ड इस लेसन में अपने को मिलेगा. उसका मीनिंग होगा वेरी बैड, यानी बहुत बुरा. यहाँ पर बिल्ली के लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा, यहाँ कैट के लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा. नेस्टी, नेस्टी मीन्स होता है बहुत बुरा. मालिक, जो बिल्ली का मालिक होगा वो उस बिल्ली को यानी कैट को नेस्टी कह करके रेफर करेगा, संबोधित करेगा. तो नेस्टी का मतलब है वेरी बैड. द नेक्स्ट वर्ड इज लाइंग. वी शुड प्रनाउंस इट लाइंग. लाइंग कहना चाहिए इस शब्द को. लाई यानी झूठ बोलना होता है. तो जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसको लाइंग करना कहते हैं. लाइंग मीन्स, लाइंग का मतलब है नॉट टेलिंग द ट्रुथ. जो ट्रुथ यानी सत्य को नहीं बोल रहा है. नॉट यानी नहीं, टेलिंग यानी बोल रहा है या बता रहा है. द ट्रुथ यानी सत्य. जो सत्य को नहीं बता रहा है उसको, यानी झूठ जो बोल रहा है उसको लाइंग कहते हैं. पनिशमेंट इज द नेक्स्ट वर्ड. पनिशमेंट हम सब जानते हैं, इससे आप भली भांति परिचित होंगे इस शब्द से. बच्चों को जब वो गलती करते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, यानी सजा दी जाती है. तो पनिशमेंट का मतलब है एन एक्ट, एक कार्य फॉर मेकिंग समवन रियलाइज,
किसी को रियलाइज़ करने के लिए, किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए, किसी को एहसास कराने के लिए हिज मिस्टेक, हिज और हर मिस्टेक। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हिज आता है, अगर कोई लड़की है, गर्ल है, तो उसके लिए हर आता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, उसका या उसका इसका उसका हिज या हिज और हर दोनों का ही मतलब होता है, उसका या उसकी। तो यहाँ पर उसकी मिस्टेक, किसी भी गर्ल या बॉय की मिस्टेक जब वो करता है, जब वो गलती करता है, तो उसकी मिस्टेक को रियलाइज़ करवाने के लिए, उस मिस्टेक को एहसास करवाने के लिए कि उसने मिस्टेक की है, उसने गलती की है, इसको रियलाइज़ कराने के लिए जो एक्ट किया करवाया जाता है, जो कार्य उससे करवाया जाता है, दैट वी कॉल पनिशमेंट, जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। जब हम किसी का से बदला लेते हैं उसको रिवेंज कहते हैं। डूइंग द सेम थिंग, वही चीज़ वापस करना टू समवन, किसी के लिए, एज दे डिड, जो उन्होंने की थी, टू यू, तुम्हारे साथ, फॉर ए पे बैक, बदल वापस देने के लिए। यानी जिस जो किस जो चीज़ आपके साथ किसी ने की थी, वही चीज़ अगर आप किसी को वापस देते हो या वही चीज़ आप किसी के साथ वापस करते हो, तो उसको रिवेंज कहते हैं, उसको बदला कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा लेना। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, स्टक, स्टक यानी अटक जाना होता है या फंसा लेना होता है। द बोथ मीनिंग्स हैव सेम सेव मीनिंग, द बोथ वर्ड्स हैव सेव सेम मीनिंग, दोनों ही शब्द रखते हैं एक समान अर्थ। ट्रैप्ड और स्टक एक ही मतलब है, यानी फंस जाना या अटक जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप। स्नैप का मतलब है टू ब्रेक विद ए शार्प नॉइज, कोई शार्प नॉइज यानी तेज आवाज़ के साथ जब कोई चीज़ टूटती है, जब कोई चीज़ टूटने की तेज आवाज़, शार्प नॉइज जब आती है, तो उसको बोलते हैं स्नैप। और डिसअपॉइंटेड इज़ द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ द डिसअपॉइंटेड, इट मीन्स फेल्ट सैड, दुखी महसूस करना, या अनहैप्पी, दुख। अनहैप्पी का मतलब भी दुखी होता है और सैड का मतलब भी दुखी होता है। तो अनहैप्पी या सैड फेल्ट करना यानी महसूस करना, कोई अगर सैड फील करता है, दुखी महसूस करता है या अनहैप्पी होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसअपॉइंटेड, यानी निराश हो जाना इसका मतलब होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन यानी तैयारी। और लास्ट में है एनिमीज मीन्स शत्रु, रिवेल्स भी कहते हैं इसको, प्रतिद्वंद्वी भी इसको कहा जा सकता है, कंपटीटर भी कहा जा सकता है, और एनिमीज यानी दुश्मन भी इसमें कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड हैं जो कि लेसन में हमें मिलेंगे, जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन में हमें ये सारे शब्द मिलेंगे। सो आई वॉन्ट टू इंस्ट्रक्ट यू फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, ये निर्देश देना चाहता हूँ, दैट यू शुड राइट द नेम ऑफ द लेसन। सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना चाहिए सबसे ऊपर, बाई ड्रॉइंग ए लाइन बाई ए रूलर, एक रूलर से एक लाइन ड्रॉ करके किसी नए पेज पर आपको लेसन का नेम मेंशन करना चाहिए। देन इन द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, उस पेज के राइट कॉर्नर पर आपको मेंशन करना चाहिए लेसन का नंबर, और उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखने चाहिए वर्ड गैलरी। इस वर्ड गैलरी में जो न्यू वर्ड्स इस लेसन में मेंशन किए गए हैं, इस लेसन में उल्लेख जिन जिन वर्ड्स का आएगा, ऐसे नए वर्ड्स यहाँ पर वर्ड गैलरी में हैं। तो सबसे पहले लेसन का नेम लिखने के बाद वर्ड गैलरी आपको लिखनी चाहिए, और इनके जो इनको जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, वो भी आपको लिखना चाहिए। एंड लेट अस स्टार्ट द लेसन विद द फर्स्ट लाइन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जो लेसन का पहला पार्ट है, दैट इज वार्म अप। ये जो वार्म अप है, यानी जो कोई भी लेसन शुरू करने से पहले वार्म अप दिया जाता है, यानी हम थोड़ा सा तैयार हो जाएं उस लेसन को पढ़ने के लिए, कुछ हमारे माइंड में एक जो उसकी प्रीव्यू बन जाए उस लेसन का, इसके लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज दी होती है। लेट अस सी व्हाट इज द वार्म अप एक्सरसाइज गिवन हियर। यहाँ पर क्या वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है, लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। राइट आर फॉर द फूड विच रैट्स लाइक,
उन फूड के ऊपर बॉक्स में आर लिखना है, जिन जो रैट्स को लाइक होता है, जो चूहों को पसंद होता है, जिस फूड को रैट यानी चूहे लाइक करते हैं उसके लिए आर लिखना है। रैट का मतलब RAT, आर से स्टार्ट होता है रैट, तो आपको कैपिटल आर रखना है, लिखना है। जो फूड आइटम रैट्स को पसंद होता है उसके लिए आर लिखना है। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पसंद होता है जो कि रैट्स को। एंड राइट सी, और सी लिखना है फॉर द फूड, उस फूड के लिए विच कैट्स लाइक द मोस्ट, जिसको बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद करती है। देर आर सम फूड आइटम्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। द फर्स्ट आइटम इज ए बोन, यहाँ पहली आइटम जो है वो एक हड्डी है, तो हड्डी जो है वो कैट्स को पसंद होती है। हड्डी कैट्स जो होती है वो एक फ्लैश ईटिंग एनिमल है, वो एक मांसाहारी जंतु है। कैट वो मांस खाती है, चूहे हैं और दूसरे जो पक्षी वगैरह को भी वो खा जाती है। हालांकि वो कुछ दूध, जो दूध वगैरह अपन देते हैं वो भी ड्रिंक कर लेती है, लेकिन इसलिए हम लोग उसको ओमनीवर्स कह सकते हैं, सर्वाहारी कह सकते हैं। सब प्रकार की चीज़ें वो खाती है, रोटी भी खा लेती है। तो जो चीज़ें, जो जो एनिमल सब चीज़ें खाते हैं उनको ओमनीवर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कैट्स ओमनीवर्स है, लेकिन हड्डी वगैरह जो है वो कैट्स को ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर हम कैपिटल सी लिख देंगे। द नेक्स्ट पिक्चर इज ए बाउल ऑफ ए ग्रेन, यहाँ पर ये एक कटोरा है जो ग्रेन से यानी अनाज से भरा हुआ दिख रहा है। इट इज़ द रेट्स लाइक दैम, जो रेट्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनको अनाज बड़ा पसंद होता है। इसलिए राइट कैपिटल आर इन द बॉक्स, आपको बॉक्स में कैपिटल आर लिखना है। एंड दिस इज ए बाउल ऑफ ए मिल्क, यहाँ पर ये मिल्क का एक बाउल आपको दिख रहा है। तो इट इट इज़ लाइक्ड बाई कैट्स, ये पसंद किया जाता है कैट्स के द्वारा। सो राइट कैपिटल सी इन द बॉक्स। एंड नेक्स्ट इज ए एप्पल, नेक्स्ट इज एन एप्पल एंड इट इज़ लाइक्ड बाई मोस्टली द रैट्स, ये रैट्स के द्वारा ज़्यादातर पसंद की जाती है। तो राइट आर कैपिटल आर। इन द लास्ट देयर इज ए फिश, यहाँ पर लास्ट में एक फिश दी हुई है और ये पसंद की जाती है बिल्लियों के द्वारा। ज़्यादातर बिल्लियाँ ज़्यादातर जो फिशेज होती है उनको पसंद करती है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल सी लिखना है। यू शुड राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, ये वर्ड गैलरी लिखने के बाद में आपको ये, आपको सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज लिखनी है, उसके बाद आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करके और उनके बॉक्स बना करके उनमें कैपिटल आर और कैपिटल सी लिखना है। लेट अस स्टार्ट द लेसन नाउ, अब हम शुरू करते हैं लेसन। वंस देयर वॉज ए कैट, एक बार एक कैट थी, एक बिल्ली थी, हु वांटेड टू कैच ए नॉटी माउस, जो चाहती थी पकड़ना एक नॉटी माउस को। नॉटी यानी बदमाश यानी शरारती, एक शरारती चूहे को वो पकड़ना चाहती थी, एक बार एक बिल्ली थी। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, यहाँ एक वार्तालाप दिया हुआ है बिल्ली और चूहे के बीच में। क्या बिल्ली ने कहा, क्या चूहे ने कहा? सबसे पहले रेड लेटर्स में आपको दिख रहा होगा कैट, यहाँ लिखा हुआ है कैट। कैट क्या कहती है? आई विल नॉट लेट यू हाइड, मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगी। विल का प्रयोग जब होता है, WILL, विल का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में होता है तो वो सेंटेंस फ्यूचरिस्टिक बन जाता है, भविष्यकाल का बन जाता है। वो उसका जब अनुवाद हम हिंदी में करेंगे तो उसका अनुवाद फ्यूचर में होगा यानी भविष्यकाल के रूप में होगा, नहीं छुपने दूंगी। दूंगी उसमें लास्ट में जो हो जाएगा वो ऐसा भविष्यकाल की तरह का भाव उसमें पैदा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी विल का प्रयोग होता है तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है, वो भविष्यकाल का वाक्य होता है। आई विल नॉट लेट यू हाइड, हाइड यानी छुपना, लेट यू हाइड यानी छुपने देना, और आई विल नॉट लेट यू हाइड का मतलब हो गया मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगी। एनी मोर, एनी मोर यानी अब,
अब मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगी। ये बिल्ली कह रही है, ये कैट कह रही है रैट को, बिल्ली कह रही है रैट को यानी चूहे को कि अब मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगी। आई विल कैच, मैं पकड़ूंगी, यहाँ पर भी विल का यूज हुआ है, तो विल का यूज हुआ है तो कैच यानी पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ जब विल आ गया है तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया पकड़ूंगी। आई विल कैच, मैं पकड़ूंगी, यू यानी तुम्हें, सून यानी जल्दी, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ूंगी, रैट यानी चूहे, मैं तुम्हें जल्दी से ही पकड़ लूंगी। एज द कैट सेड दिस, जैसे ही कैट ने ये कहा, द माउस थ्रू, माउस ने थ्रू यानी फेंका, फेंकी ए प्लेट, एक प्लेट फेंकी उसने, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। जैसे ही बिल्ली ने ये कहा कि चूहे मैं तुम्हें अब छुपने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगी, तो जवाब में जो रैट था वो बड़ा नॉटी था, बड़ा शरारती था, उसने एक जवाब में एक प्लेट फेंकी उस कैट के ऊपर। थर्ड, ये THUD जो थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड एक आवाज़ है, जो कि प्लेट जब उसके सिर पर लगी, बिल्ली के सिर पर, तो एक आवाज़ हुई थर्ड, ऐसी एक प्लेट फेंकने की आवाज़ हुई। अब रैट ने क्या कहा बिल्ली को, रैट सेज, रैट कहता है, बट फर्स्ट, लेकिन पहले, यू हैव टू नो, तुम्हें ये जानना पड़ेगा, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। बिल्ली को कहा कि पहले तुम ये तो पता करो कि मैं हूँ कहाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है मैं हूँ कहाँ, तो पहले तुम्हें पकड़ने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि मैं हूँ कहाँ। कैट सेज, कैट ने कहा, एंग्रीली, गुस्से में कहा, यू विल नॉट गेट अवे, अब तुम नहीं जा पाओगे कहीं और, विद दिस, इसके साथ, यानी अब तुम ये करने के बाद में अब तुम कहीं जा नहीं पाओगे, यू विल नॉट गेट अवे, अब तुम नहीं जा पाओगे, विद दिस, इसके साथ, यानी ये जो तुम कह रहे हो इसके साथ में, इसके बाद में अब तुम कहीं जा नहीं पाओगे। द रैट किक्ड अनोदर प्लेट, अब की बार रेट ने यानी चूहे ने एक दूसरी प्लेट किक मारी उसके, यानी उसके किक मार के उसके ऊपर फेंकी वापस बिल्ली के ऊपर। ऑन द कैट्स हेड, बिल्ली के सिर पर एक और प्लेट फेंक दी चूहे ने वापस। लुक एट द फिगर, देखिए आप चित्र में, दिस इज द रेट, ये देखो चूहा है यहाँ पर, एंड ही थ्रोज ए प्लेट ऑन द रैट्स हेड, और ये फेंकता है एक प्लेट बिल्ली के सिर पर, थर्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है थर्ड, और इसके सिर पर ये प्लेट लगती है बिल्ली के सिर पर। यू कैन लुक दिस वन इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन, दिस इज द नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, ये है अगला पेज। तो जैसे ही प्लेट उस बिल्ली के सिर पर लगती है, रैट कहता है, ऊप्स, ओ, द कैट हर्ड दिस, द कैट हर्ड हिज ओनर्स कमिंग डाउन स्टेयर्स। द कैट यानी कि बिल्ली, हर्ड यानी सुनी, बिल्ली ने सुनी हिज ओनर, उसका मालिक, कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। बिल्ली ने सुना, बिल्ली ने आवाज़ सुनी उसके ओनर की, ओनर यानी मालिक की, कमिंग यानी आ रहा था, डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे। ये सब जब उनके बीच में चल रहा था कि बिल्ली उसके पीछे भाग रही थी चूहे के, और चूहा उस पर प्लेटें थ्रो कर रहा था, इसी बीच में जो कैट थी उसने अपने ओनर की यानी मालिक की जो आवाज़ है वो सुनी, जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ओनर सेड, ओनर ने कहा, यू नेस्टी कैट, हमने नेस्टी का मीनिंग पढ़ा था वर्ड गैलरी में, वेरी बैड, वो वहाँ पर इसका मीनिंग आया था, बहुत बुरा। यू नेस्टी कैट, तुम बहुत बुरी बिल्ली। अब जब ये शोर शराबा चल रहा था चूहे और बिल्ली के बीच में, तो चूहा तो मालिक को दिखा नहीं, दिख तो उसको बिल्ली रही थी, और बिल्ली उसकी पैट एनिमल थी यानी पालतू जानवर थी, तो उसने सोचा ये बिल्ली ही कर रही है सारी आवाज़ें, और ये बिल्ली ही बदमाश है। तो ओनर ने उसको कहा, ओनर यानी मालिक ने कहा, यू नेस्टी कैट, तुम बदमाश बिल्ली या तुम बुरी बिल्ली, वॉट हैव यू डन नाउ, तुमने क्या कर दिया अब, यू विल नॉट अलाउ मी, तुम मुझे
अलाउ नहीं करोगी टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, यानी तुम मुझे आराम नहीं करने दोगी। ये तुमने क्या किया, ये आवाज़ क्यों आ रही है? इतनी जो आवाज़ें आ रही थी क्योंकि चूहा बिल्ली के ऊपर प्लेट फेंक रहा था बार बार, तो ये जो आवाज़ें आ रही थी इसके कारण से उसका जो ऑनर था, जो मालिक था, वो उठ के आ गया और उसने बिल्ली को डांटा कि तुम बहुत बुरी बिल्ली हो, तुम नेस्टी कैट हो और ये तुमने क्या किया और तुम मुझे आराम नहीं करने दोगी, तुम मुझे रेस्ट नहीं करने दोगी। तो कैट ने कहा, लुक एट द कैट्स, वॉट इज शी सेज, वो क्या कह रही है, आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया, डिड नॉट यानी नहीं किया, डू यानी करना, इट यानी यह, मैंने इसे नहीं किया, जो भी आवाज़ें आपको आई है वो मैंने नहीं की है, इट वॉज द रैट, इट वॉज दैट रैट, ये वो चूहा है। उस बिल्ली ने कहा अपने ऑनर को, अपने मालिक को, कि जो आवाज़ें आपको सुनाई दी थी वो मैंने नहीं की थी, ये वो चूहा है, ये रैट है, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, ही वॉज मेकिंग, वो बना रहा था फन यानी मजाक, ऑफ मी मेरा, वह मेरा मजाक बना रहा था, ही थ्रो उसने फेंकी द प्लेट्स, प्लेटें एट मी, मेरे ऊपर, उस चूहे ने मेरे ऊपर प्लेटें फेंकी। ऑनर ने कहा, ऑनर सेज, ऑनर कहता है, देयर इज नो रेट, कोई चूहा नहीं है इन दिस हाउस, इस मकान में, तो इस मकान में कोई चूहा नहीं है, यू आर लेइंग तुम झूठ बोल रही हो, सो दैट, ताकि आई डू नॉट पनिश यू, ताकि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूं, ताकि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूं, तुम्हें सजा नहीं दूं, इसलिए तुम झूठ बोल रही हो। द कैट वॉज पनिश्ड, और उसके बाद कैट को पनिश किया गया, उसके मालिक ने कैट को दंड दिया, सजा दी। हिज पनिशमेंट वॉज, और उसका पनिशमेंट क्या था, हिज पनिशमेंट वॉज, उसका पनिशमेंट था टू सिट, बैठना आउटसाइड द हाउस, मकान से बाहर, फॉर द एंटायर इवनिंग, पूरी शाम उसको मकान से बाहर बैठना था, ये उसका पनिशमेंट था उस बिल्ली का, क्योंकि मालिक ने यही सोचा, ओनर ने यही सोचा कि सारा जो हंगामा है वो बिल्ली कर रही है, वो कैट कर रही है, इसलिए ओनर ने उसको पनिशमेंट दे दिया। द कैट सा द रैट लाफिंग एट हिम, कैट सा यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है ये, द कैट सा, बिल्ली ने देखा द रैट यानी चूहा, लाफिंग यानी हंस रहा था, एट हिम उसके ऊपर, बिल्ली ने देखा कि चूहा उसके ऊपर हंस रहा था। कैट ने उसको कहा, आई एम सून गोइंग टू टेक रिवेंज, आई एम सून यानी मैं जल्दी ही, गोइंग यानी जा रही हूँ, टू टेक यानी लेने, रिवेंज यानी बदला, मैं जल्दी ही बदला लेने जा रही हूँ, क्योंकि प्लेटें भी चूहे ने फेंकी उसके ऊपर, उसके लग भी गई, और मालिक ने भी, ऑनर ने भी उसको पनिशमेंट दे दिया, तो वो बड़ी गुस्से में थी, तो उसने, चूहा उसके ऊपर हंस भी रहा था क्योंकि उसको पनिशमेंट मिल गया था। तो कैट ने चूहे को कहा कि मैं जल्दी ही रिवेंज लेने जा रही हूँ, रिवेंज, REVENGE, रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, मैं जल्दी ही बदला या रिवेंज लेने जा रही हूँ, लाफ हंसो, एज मच एज यू वॉन्ट, जितना चाहो तुम उतना, कि जितना तुम चाहो उतना हंस लो, रैट चूहे, आई विल कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ूंगी, जितना चाहे अभी तो हंस लो तुम, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कैट स्प्रेड, बिल्ली ने बिछा दिया रैट ट्रैप्स, चूहे पकड़ने का जाल, ऑल ओवर द हाउस, पूरे घर में। अगले दिन क्या किया उस कैट ने, उस बिल्ली ने, जगह जगह रैट ट्रैप्स यानी चूहे पकड़ने की जो चूहे दानियाँ होती है, चूहे पकड़ने के जो जाल होते हैं, ट्रैप यानी पकड़ने का जो चूहे दानी कह सकते हैं अपन, तो चूहे दानियाँ बिछा दी पूरे घर में चूहे को पकड़ने के लिए। कैट ने कहा, टुडे इज माई रिवेंज डे, आज मेरा बदले का दिन है, रिवेंज डे है। द रैट नो अबाउट द ट्रैप्स,
जो रैट था, जो चूहा था, न्यू यानी जानता था अबाउट द ट्रैप्स, उन चूहेदानियों के बारे में। उस चूहे को पता था कि इसने जगह जगह चूहेदानियाँ रखी है, तो उन चूहेदानियों के बारे में, उन ट्रैप्स के बारे में वो जानता था। ही क्लेवरली ब्रॉट, वह चतुराई से, क्लेवरली यानी चतुराई से, ब्रॉट यानी लाया, वन ऑफ द ट्रैप्स, उन चूहेदानियों में से एक चूहेदानी वो उठा करके ले आया, क्लेवरली यानी चतुराई से, नियर द कैट्स टेल, कैट की टेल के पास यानी बिल्ली की पूंछ के पास ले जा करके उसने एक चूहेदानी रख दी चुपके से। एंड द कैट्स टेल गॉट ट्रैप्ड, और जो बिल्ली की पूंछ थी वो ट्रैप हो गई, वो फंस गई इन द रैट ट्रैप, रैट का पकड़ने वाला जो ट्रैप था, जो चूहेदानी थी उसमें बिल्ली की पूंछ फंस गई। कैट बोली आ आह, लंबी सी उसकी आवाज़ आई दर्द की, जैसे ही उसकी पूंछ फंसी उसमें रैट ट्रैप में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लंबा सा एक सेंटेंस टाइप दिया हुआ है, आ क्राइड इन पेन, दुख दर्द में चिल्लाई, जैसे ही उसकी पूंछ फंसी तो वो दर्द में चिल्लाई। आफ्टर मच डिफिकल्टी, काफ़ी कठिनाई के बाद, द कैट फाइनली गॉट हिज टेल आउट, फाइनली यानी अंतिम रूप से, द कैट गॉट हिज टेल आउट, कैट ने अपनी पूंछ को बाहर निकाला बड़ी कठिनाई से, ऑफ द ट्रैप, उस ट्रैप में से। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ए न्यू प्लान, अब वो किसी नए प्लान के बारे में सोचने लगा। सडनली अचानक ही हर्ड ए स्नैप, उसने एक आवाज़ सुनी, वो नए प्लान के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर बिल्ली के बारे में, बिल्ली के लिए ही आया है, तो बिल्ली शी भी हो सकती है और ही भी हो सकती है। अगर बिल्ला है तो शी ही आएगा, बिल्ली है तो शी आएगा, तो यहाँ पर ही आया है कि वो नए प्लान के बारे में बिल्ली सोचने लगी। तो यहाँ पर बिल्ली नहीं है, एक्चुअली कैट जो है वो ही कैट है, यानी बिल्ला है, बिलाव जिसको कहते हैं। ही हर्ड ए स्नैप, उसने एक आवाज़ सुनी। जब अपन ने इसका वर्ड गैलरी में पढ़ा था कि स्नैप का मतलब होता है कोई तेज आवाज़ के साथ जब कोई चीज़ टूटती है उसको स्नैप कहते हैं, तो उसने स्नैप की आवाज़ सुनी, एक तेज आवाज़ सुनी बिल्ली ने। दिस टाइम, इस समय द रैट हैड गॉट ट्रैप्ड इन अनोदर ट्रैप, इस समय क्या हुआ, इस बार चूहा फंस गया अनोदर ट्रैप में। एज यू कैन लुक इन द पिक्चर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये चूहा फंस गया इस बार, ये देखिए चूहा फंस गया है, किसी दूसरे ट्रैप में फंस गया, ये जगह जगह ट्रैप लगाए हुए थे घर में, तो अब की बार एक वो जो चूहा था वो फंस गया किसी ट्रैप में। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन अप टू पेज नंबर 8 ओनली, यहाँ पर हमने पेज नंबर 8 तक आज पढ़ा है, एंड वी विल रीड द रेस्ट ऑफ लेसन फ्रॉम पेज नंबर 9 एंड द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। हम इस पेज नंबर, नेक्स्ट पेज को यानी पेज नंबर 3 को, ये जो पेज नंबर 9 है, 9 पेज नंबर से लेकर आगे का लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। टिल देम यू हैव टू राइट द वर्ड गैलरी इन योर नोटबुक, तब तक आपको ये वर्ड गैलरी के जो वर्ड्स हैं ये सारे करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, द लेसन्स नेम, सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है, देन यू हैव टू मेंशन द लेसन्स नंबर, उसके बाद लेसन का नंबर मेंशन करना है, देन यू हैव टू राइट द वर्ड गैलरी, उसके बाद वर्ड गैलरी लिखनी है, एंड देन द वार्म अप एक्सरसाइज, और उसके बाद ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन एंड क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस लेसन इज रिलेटेड टू इंग्लिश बुक, यू कैन ओपन दिस बुक बाई मिटश्योर लिंक विच आई पोस्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पहले से ही एक लिंक मिटश्योर बुक का दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इस बुक को खोल सकते हो और आराम से इस लेसन को पढ़ सकते हो। यू शुड रीड द लेसन सेल्फ ऑल्सो, आपको खुद भी ये लेसन पढ़ना चाहिए,
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन, और लेसन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. वेयर यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी लगती है, कठिनाई लगती है, यू कैन लर्न, यू कैन हियर, यू कैन लिसन द दिस वीडियो फॉर हेल्प. आप इस वीडियो को हेल्प के लिए सुन सकते हैं, एंड यू कैन सॉल्व योर डिफ़िकल्टी. आप अपनी कठिनाई को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स. टिल, बाय एंड सी.